तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत बार का आया हुआ यह क्वेश्चन है, ठीक है, ये IPMT में भी आया है, सभी जगह आया हुआ है क्वेश्चन। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। देखा क्या दिया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो सबसे पहले बना लो क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का लेंस है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया, यानी एन या एक्यूरेसी बुक्स में देते हैं, म्यू दे देते हैं, तो 1.6 दे दिया गया आपको। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया गया ऑफ द कर्व्ड सर्फेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे दिया गया आपको, R1 चाहो तो ले लो उसको, 60 सेंटीमीटर है ना। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, डायरेक्ट कोई टेंशन ही नहीं है। देखो इतनी बार का आया हुआ है फिर भी इतने इजी क्वेश्चन, आप लोग फालतू में डरते हो, ठीक है, कि AIPMT में आया है तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा, कोई टेंशन नहीं है बेटा। डायरेक्ट लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, 1/F = जो तुम्हारा क्या है 1.6 ये लगेगा ना, -1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/60 R1 -1/R2, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी जो कर प्लेन सरफेस है, इसकी 1/∞ हो जाएगी, तो ये तो जीरो हो गई है ना। तो डायरेक्ट क्या हो गई, सोचो 1/F क्या हो गई, सोचो दिमाग लगाने वाली बात है। ये इसमें से ही 1 घटा तो 0.6 बचा है ना, डिवाइडेड बाई 60 बचा, ठीक, इसको हटाया तो यहाँ जीरो हो गया। अब क्या, तो ये कहाँ गया सर, 1/∞ तो जीरो ही होता है ना, ठीक है ना, तो 1/ ये हो गया, तो 100 काट दो और इसको अगर रिवर्ट कर दो तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 100। दैट इज योर आंसर। थैंक यू बेटा, अगली बार मिलते हैं।